हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम स्ट्रॉबेरी सीरम बनाएंगे। स्ट्रॉबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स और एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि हमारी स्किन को लाइट एंड ब्राइटन और वाइटन बनाती हैं। स्ट्रॉबेरीज में अल्फा हाइड्रो ऑक्सैलिक एसिड होता है, जो कि डेड स्किन को रिमूव करके हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, शाइनी और सपल बना देता है। स्ट्रॉबेरीज हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव तो करती ही हैं, साथ ही हमारे एक्ने, पिंपल्स, पिगमेंटेशन और यहाँ तक कि ओपन पोर्स की समस्या को भी एकदम दूर कर देती है। तो आइए स्ट्रॉबेरी सीरम बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरी सीरम बनाने के लिए मैंने ये दो फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं। तो सबसे पहले हम एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें स्ट्रॉबेरीज को इस तरह कट करके डालेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच के करीब गुलाब जल डालेंगे, जार का ढक्कन लगाएंगे और स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ आप देखिए, मैंने स्ट्रॉबेरीज को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो अब हम एक बाउल लेंगे और स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर को इस तरह छानेंगे। तो यह मैंने स्ट्रॉबेरीज के मिक्सचर को अच्छे से छान लिया है। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरीज का एकदम स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हम एक बाउल लेंगे और इसमें 2 चम्मच स्ट्रॉबेरीज का मिक्सचर डालेंगे। स्ट्रॉबेरीज में विटामिन सी होता है, जो कि हमारी स्किन को अंदर से क्लीन करके हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जो कि हमारी फाइन लाइन्स और रिंकल्स की प्रॉब्लम को भी एकदम खत्म कर देती हैं। तो अब हम इसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन डालेंगे। ग्लिसरीन हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज करती है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सफल हो जाती है। तो अब हम इसमें एक विटामिन ऑयल का कैप्सूल ऐड करेंगे। विटामिन ऑयल हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो अब हम लास्ट में सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे। लगभग 2 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल डालेंगे। एलोवेरा जेल हमारी स्किन पर क्लीजनर का काम करता है। ये हमारी डेड स्किन रिमूव करके हमारे चेहरे को बहुत ज्यादा रेडिएंट बना देता है। ये हमें सनबर्न होने से बचाता है, प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारे एक्ने, पिंपल्स और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाती है। तो यह मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं। तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह मैंने सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम स्मूथ बना है। तो ये हमारा सीरम बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इस तरह कोई भी प्लास्टिक का या फिर कांच का कंटेनर ले लेंगे और इसमें सीरम को स्टोर करेंगे। तो यह मैंने सीरम को कंटेनर में अलग निकाल लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद थोड़ा सा सीरम लेके अपने फेस और नेक पर इस तरह जेंटली अप्लाई करें। आपको इस सीरम को सुबह नहाने के बाद और रात को सोने से पहले अप्लाई करना है और इसके रेगुलर यूज से कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रेडिएंट हो जाएगी। साथ ही अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरीके के एक्ने स्कार्स, डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन है तो वो भी एकदम खत्म हो जाएंगे। ये सीरम आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव तो करेगा ही, साथ ही अगर आपको सन टैन, ओपन पोर्स या फिर ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम है तो उसे भी एकदम खत्म कर देगा। प्लस इसके रेगुलर यूज से आपकी फाइन लाइन्स और रिंकल्स की प्रॉब्लम भी एकदम दूर हो जाएगी। तो आप भी सीरम को एक बार तो जरूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितना इफेक्टिव है। आप इस सीरम को फ्रिज में रख के 1 हफ्ते तक यूज कर सकते हैं। तो आप भी एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।